नगर में स्थापित देवी प्रतिमाओं को द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण में एक एक कर नगर के विभिन्न रास्तों से होकर पहुंची। शोभा यात्रा में जय माता दी की जयकारों से गूंज रहा था तथा भक्त माँ की जयकारों पर झूम रहे थे। शोभा यात्रा के बाद देवी विसर्जन का जुलूस ग्राम नारायणपुरा के पास स्थित तालाब में विसर्जन के लिए रवाना हुआ। नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए दुर्गा पंडालों माँ की विभिन्न रूपों की मूर्तियों को सर्वप्रथम नगर के बीचों बीच स्थित द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण में पहुंची। नगर में स्थापित 10 मूर्तियों की शोभा यात्रा द्वारिकाधीश मंदिर से प्रारंभ हुई, जो झंडा चौराहा, बस स्टैंड, तहसील रोड से कोतवाली रोड होते हुए देवनगर चौराहे से ग्राम लौना होता हुए नारायणपुरा तालाब में विसर्जन के लिए रवाना हुई। शोभा यात्रा के दौरान अबीर, गुलाल तथा प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर जय माता दी के जयकारों से पूरा नगर गूंज रहा था। कई देवी भक्त मोबाइल पर बज रहे देवी गीतों पर जमकर ठुमके लगा रहे थे। मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन पूरी बेपरवाह था तथा व्यवस्थाएं भगवान भरोसे थे। अधिकारी अपनी औपचारिकता दिखाते हुए चक्कर लगाकर वापस चले गए थे। द्वारिकाधीश मंदिर परिसर में जिस समय मूर्ति पहुंच रही थी, उस समय बिजली चालू थी। जब द्वारिकाधीश मंदिर परिसर में स्थापित मूर्ति को उठाया गया तो वह बिजली के तारों में उलझ गई। गनीमत रही मूर्ति को उठाए युवकों करंट की चपेट में नहीं आए। जनता की शिकायत पर जागा प्रशासन तथा बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। जय माता दी, काली बजा के, जय माता दी, काली बजा के, जय माता दी।